मौका दूंगा उसे सॉल्व करने की स्पीड में, ठीक है? इसे सुन लो, दो आदमी क्योंकि कैसे बड़े प्यार से इसके साथ प्यार से बर्ताव करोगे तो अच्छा लगेगा। दो आदमी तथा, तथा मतलब तीन बालक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यही तो गिवन है। फिर क्या दे रखा है? तीन आदमी दो बालक, तीन आदमी तथा दो बालक 8 दिन, क्लियर? फिर क्या पूछा है? चार आदमी तथा दो बालक कितने दिन? हाँ, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जानते हैं इसकी गुणा डी से गुणा होगी क्योंकि दिन की क्या करते हैं गुणा, आदमी दिन घंटा गुणा कर देंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं 4m + 2b × d बराबर, इधर से हमारी एक छोटी सी समस्या पिछली बार की तरह, इसकी गुणा 10 को, सॉरी या तो इसके साथ 10 दिन ले लो या इसके साथ 8 दिन ले लो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू से ज्यादा प्यार है। तो जनरली ये देखा गया प्यार के मामले पहली वाली जो होती है वो ज्यादा प्यार देखा गया, मतलब वैल्यू 2m + 3b × हम चाहें तो 3m + 2b × r, दोनों में से जो भी वैल्यू लेना चाहे वो वैल्यू ले सकते। बात क्लियर है? समस्या ना इसके साथ है ना ही इसके साथ है, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट पर कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं, पर लेंगे दोनों में से कोई एक ही, ठीक है? इक्वेशन बन गई, फिर वही पुरानी हरकत है, m और b की वैल्यू रखनी उस समीकरण में, d का मान मिल जाएगा। इस बार m और b की जो वैल्यू रखने का तरीका वो डिफरेंट तरीका है, और सबसे आसान जो मेथड है वो बताता हूं, इससे शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे समझ लीजिए। तो आप यहां पर लिख देंगे m और इधर लिख देंगे b, लिख दोगे? इसको इक्वेशन बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, आप सबसे शॉर्टकट रखते हैं 10 से गुणा कर देते, 10 × 20 = 30 ऐसे 8 × 24 = 8 × 16 इतना तो कर लेंगे मुझे लगता है। 20 और 24 का डिफरेंस 4, 30 और 16 का डिफरेंस लिख दो, और जब ये समीकरण आ जाती है तो हम करना जानते हैं ना, कैसे करके m/b = 14/4 मतलब 7/2। ये कहीं गलत तो नहीं किया तो वेरीफाई कैसे करें? क्रॉस 4 × m में हां सही है, 14 × b में हां कतई सही, क्रॉस में से होते हैं n की वैल्यू 7 b की वैल्यू 2 उठा के रख देते हैं 2 × n की वैल्यू 7 b की वैल्यू कितनी है बेटा 2 × 3 7 × 14 2 × 6 तो 14 × 6 = 20 × 10 बराबर 7 × 28 2 × 4 28 × 4 = 32 क्लियर? तो डी बराबर 20 × 10/32 4 × 5 = 4 2 × 5 = 2 तो पम पम 25/4 तो आंसर आ जाएगा 6/4। बात क्लियर हो गई? एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना, पाओगे सर ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन वाला ना, ये क्वेश्चन पे जो लिखा होगा वहां नोट कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन में लिखा होगा, ये भी क्वेश्चन में लिखा होगा, हाँ है ना? सोचने वाली बात है, तो सीधे सीधे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हाँ है ना? ये जो गुणा कर रहा है पेपर आता हमारे साथ कंप्यूटर लाइन, कंप्यूटर पर लिखने में दिक्कत होगी, ऑफलाइन पेपर तो पेपर ऊपर ही लिख लेंगे, लिख लो ना, ये सीधे वैल्यू लिखूंगा सीधे सीधे आंसर के लिए, और यहां से इतनी वैल्यू तो रखनी पड़ेगी आपको, लिख लो। एक टाइप का क्वेश्चन और दे देंगे सेम ऐसा।